आप लोग ने आज तक आईडी अनबैन कराने के बारे में सोचा होगा, लेकिन आज मैं आईडी बैन करने वाला हूँ। हाँ, मेरी आईडी। भाई तुम लोग को भरोसा नहीं होगा, मेरी 4.5 साल पुरानी आईडी मैं आज बैन करने वाला हूँ। लेकिन कैसे, अभी यही सोच रहे हो ना। देखो गाइस, आज मैं 5 ऐसी बेसिक गलतियां करने वाला हूँ जो कि बहुत सारे प्लेयर बस गलती से कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी आईडी बैन हो जाती है एंड बाद में वो भय भय करते हैं। भाई ठीक है, लेकिन आज जो मैं 5 गलतियां करने वाला हूँ ना, ये तुमको दोबारा नहीं करना है। और आपको करना है तो बस एक चीज, सब्सक्राइब कर दो यार। तुम्हारे पास तो बड़ा बचा ही नहीं है, 10K लाइक का है, मैं नहीं जानता हूं, सब्सक्राइब कर दो एंड चलो आईडी बैन करते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपनी आईडी में। एक सेकंड गाइस, हाँ ये वाली आईडी में। तो तुमको क्या एड़ा दिखता हूं मैं कि मैं अपनी मेन आईडी पे करूंगा ये चीज? नहीं भाई, देखो सबसे पहली बात मैं तुम लोगों को एक और चीज बता दूं कि ये आईडी भी मेरी अपनी आईडी है और इसको 4.5 साल हो चुके हैं। भाई ये देखो, टैग भी है मेरे पास। देखो सबसे पहले मैंने सोचा कि आईडी बैन करने के लिए करना क्या चाहिए, तो मैंने देखा कि भाई हम लोग के पास ऑनर स्कोर होता है, तो मैं सोचा चलो इसको माइनस करते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं। भाई मतलब कोई तो करता नहीं होगा ऐसा, लेकिन हम करेंगे जितना हो सकता है, 0 ले जाने का पूरा ट्राई करूंगा मैं। और भाई चलो करते हैं, यहां पे मैंने पहला मैच खेला, इसको मैंने बैक कर दिया। अब ये लो भैया, मैंने दूसरा भी कर दिया, ये लो तीसरा कर दिया, ये लो चौथा कर दिया। मतलब बहुत सारे मैच बैक करने के बाद गाइस, अब गरीना वालों ने मेरे को औकात दिखा दी और बोल दिया है कि अब तू स्क्वाड नहीं खेल सकता है, ठीक है, तो औकात में रहे, बस सोलो खेल सकता है, वो भी बस क्लासिक। लेकिन भाई अब हम लोग खेलने वाले हैं लोन वुल्फ। हम कहां मानने वाले हैं यार, लोन वुल्फ में डुओ लगा दिया। अब डुओ में मैंने 50-60 बार बैक करने के बाद, मजाक कर रहा हूं, मैंने कुछ ही बार बैक किया एंड इसमें भी मेरे को गरीना वालों ने औकात दिखा दी, बोल दिया तू नहीं रहा अब इस लायक कि तू मेरा गेम खेल सके। तो भाई बस यहां पे चेक कर सकते हो, मेरा यहां पे 52 ऑनर स्कोर हो चुका है, मेरी औकात दिख गई है, इसके आगे नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। इसके बावजूद मेरी आईडी बैन नहीं हुई। भाई गरीना कुछ करो यार, मेरे को आईडी बैन करनी है यार। अभी तुम लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा ना कि भाई सिंपल है कि यूज कर ले, आईडी बैन हो जाएगा, ठीक है करते हैं। मतलब मैं तुम लोगों को पहले बता देता हूं, भाई मैंने आज तक कभी हैक यूज नहीं किया, तो देखो मेरा फेफड़ा और मेरा कॉमन सेंस बस इतना ही सोच सकता है कि अब चलते हैं सीधे हम लोग प्ले स्टोर पे एंड सर्च करते हैं हैक के बारे में। यहां पे मैंने फ्री फायर हैक सर्च किया एंड भाई सबसे पहले मुझे ये रेजिडेंट H4X करके कोई तो एप्लीकेशन दिख रहा है जिसको 50 लाख लोगों ने भरोसेमंद माना है। हाँ मतलब सच्ची में भाई, तो ये पक्का हैक वाला ही ऐप होगा भाई, मतलब 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है, समझ रहे हो, मतलब भरोसेमंद है ये। ओके मैंने एप्लीकेशन खोल लिया है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे VIP मोड दिख रहा है, नहीं मुझे सबसे अच्छा वाला हैक चाहिए यार, तो VIP पे सबसे पहले चलते हैं। एंड भाई इधर देख सकते हो VIP EVO स्किन एंड यहाँ पे बहुत सारी VIP करके चीजें हैं। ओके मैंने सबको इनेबल कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे देखो भाई, रियलिस्टिक सॉफ्ट कलरफुल, ओके ठीक है, तो मैंने इसको भी ऑन कर दिया है। चलो गाइस फटाफट अब इस हैक को ऑन करते हैं। ओके मैंने यहाँ पे चेक पे क्लिक कर दिया, लेट्स गो गाइस। मोस्ट डिमांडिंग हैकर, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट हैकर गाइस इन द वर्ल्ड, मैं मतलब कि मैं ही, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्या ही तो ग्राफिक्स है भाई, मतलब चेक करो, मतलब रियलिस्टिक भाई। और यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा सॉफ्टनेस है, पूरा का पूरा फ्री फायर मुझे तो कलरफुल दिख रहा है यार, वाओ वाओ लेट्स गो। मतलब लिटरली भाई तुम देखो ऐसा किधर है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। मतलब मेरे को एक बार कमेंट में जरूर बताना गाइस कि क्या 50 लाख लोग वो कौन है, मतलब वो कहाँ के प्राणी है यार। बट एक सेकंड गाइस, मैं ऐसे ही जज नहीं कर सकता इस एप्लीकेशन को, अब हम लोग नीचे उतरेंगे एंड हेडशॉट मार के देखेंगे, क्या पता गाइस वो हैक उस तरीके से काम करे। पता नहीं यार, मेरा आईडी बैन करना है मुझे यार, हैक लगा दो यार, इसमें हैक भी लगा दिया मैंने, अभी तो काम करना चाहिए ना। तो यहाँ पे चलो गाइस हेड मारते, ओ भाई साहब हेड तो लग गया, लेकिन ये तो नॉर्मल है यार, मतलब आपको पता हैक का हेड जो होता है वो बहुत नाक होता है, तो ओके तो या दूसरे को मारते हैं। बॉडी शॉट क्यों लग रहा है ये, इसकी बैस की एड़ा समझ गया है मेरे को, ये 50 लाख लोग एड़े थे भाई जिसने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। तो हैशटैग एड़ा इन द कमेंट गाइस, प्लीज कमेंट में एड़ा लिख दो गाइस, मुझे नहीं पता, प्लीज लिख दो। अच्छा एक सेकंड, मैं तुम लोग को ना एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है, वो बात बताते समय मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल देता, लेकिन मुझे डर लग रहा था यार, लेकिन अब नहीं। इस डर को भगाने के लिए ना गाइस तुम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा एंड सब्सक्राइब करना होगा, लाइक कर दो दोस्तों, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में कर दो। ओके कर दिया ना। ओके सुनो, आज ना मैं सारी गलतियां करके ट्राई करने वाला हूँ, लेकिन अगर फिर भी मेरी आईडी बैन नहीं होती है तो भाई मैं अपनी आईडी को डिलीट कर दूंगा। इस बार तो मेरी आईडी बैन होनी ही चाहिए, क्योंकि भाई मैं जो अभी करने वाला हूं ना, मैं कभी किया भी नहीं हूं इससे पहले। देखो आज गाइस हम लोग रिकनेक्ट करने वाले हैं, मतलब कि PC2 और मोबाइल, ठीक है समझ रहे हो ना, मतलब कि मैं बार बार कनेक्ट रिकनेक्ट करूंगा, मतलब एक फोन से सीधे PC में, PC से फोन में, समझ रहे हो ना मेरी भावनाओं को। तो हाँ गाइस अभी हम लोग फटाफट देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक साइड PC रखा है, एक साइड मोबाइल रखा हूँ, ठीक है दोनों का स्क्रीन है। ये मैंने मैच स्टार्ट किया PC के अंदर, अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मोबाइल में रिकनेक्ट, अभी लो मैं गाइस PC में फिर से कर रहा हूँ। भाई मतलब मोबाइल PC मैं यहाँ पे बहुत बार करने वाला हूँ, और तुमको कितनी
कितनी बार बताऊं मैं यार, मैंने हजारों दफा कर लिया एक ही मैच के अंदर, एंड मोबाइल के अंदर गेम खेला, मैंने पीसी के अंदर गेम खेला, रिकनेक्ट दोनों चीज से मैंने कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। हाँ एक चीज हुआ है जो कि फ्रीज हो गया, पूरा का पूरा गेम ही फ्रीज हो गया दोनों के दोनों चीज में, मतलब पीसी में भी कुछ काम नहीं कर रहा, मोबाइल में भी कुछ नहीं काम कर रहा है, और दोनों में मेरा आईडी लॉगिन हो चुका है लेकिन काम कुछ भी नहीं कर रहा है। मुझे समझ नहीं आया भाई कि गरीना कुछ किया क्यों नहीं, ऐसे तो मतलब बैन कर देना चाहिए ना यार। भाई मैं एक हिंदुस्तानी मात्र मनुष्य हूँ जो कि भाई इस तरह करना चाहता है, लेकिन फ्री फायर ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। मतलब वैसे तो हमेशा कोई भी बिना गलती के बैन कर देते हैं, लेकिन आज तो मैं गलतियां कर रहा हूँ यार। ओके गाइस, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है, लेकिन मैं तुम लोग को बता दूं दोस्तों, जो मैं अभी करने वाला हूँ ना, अगर इससे भी मेरी आईडी बैन नहीं होती है तो भाई फाइनली गाइस मुझे अपनी आईडी डिलीट करनी होगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये देखो भाई, यहाँ पे मैंने इसमें ग्लिच फाइल यूज किया है, स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया ये बात। हाँ गाइस, तुम लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, मैंने इसके अंदर ग्लिच फाइल यूज किया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे गोल्डन हिप हॉप मिला ही नहीं भाई। देखो मैंने आज तक कभी भी इसको यूज नहीं किया था, ये ग्लिच फाइल वगैरह मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने बस वीडियोस देख करके जेड आर्चर वगैरह सब कुछ कर लिया। तुम समझ रहे हो ना भाई, जितने भी लोग यूज करते हो जो मैं कहना चाहता हूँ, तो भाई फिर भी मुझे नहीं मिला मेरा गोल्डन हिप हॉप वगैरह। और भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मेरी आईडी क्यों नहीं बैन हुई, मैं तो सब कुछ लगा दिया, फाइल वाइल जितना लगा सकता था सब कुछ मैंने सेट कर लिया, लेकिन फिर भी मेरी आईडी को कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि कुछ देर बाद देखते हैं, कुछ घंटे रुक करके, कि बाद में फ्री फायर का सिस्टम डिटेक्ट कर ले। तो भाई मैं यहाँ पे 4-5 घंटे रुक गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, मैं 10 घंटे और रुक गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मेरी आईडी वैसी की वैसी है, अभी तक बैन नहीं हुई यार। ओके गाइस, तो फाइनली वो समय आ चुका है जब मैं अपनी आईडी को डिलीट करूंगा। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं सच में अपनी आईडी को डिलीट करने जा रहा हूँ। ये रही मेरी आईडी, इसके अंदर ये इमोट भी है, लेकिन सिर्फ इमोट नहीं, उसके साथ कुछ मेरे पास कपड़े भी इसके अंदर अच्छे खासे हैं, एंड उसके बाद मेरे पास एकाध गन की स्किन भी परमानेंट है, जैसे कि ये स्कार की। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे मेरे पास देख सकते हो बैकपैक भी है, लूट बॉक्स भी है, एंड उसके बाद कुछ यहाँ पे मेरे पास स्केटबोर्ड्स भी अच्छे खासे हैं। मेरे लिए इस आईडी में ना कुछ भी रेयर नहीं है सिवाय दो चीज़ के। पहली चीज़ की ये मेरा सेकेंड आईडी था, एंड दूसरी चीज़ की ये 4.5 साल पुरानी आईडी है। ओके गाइस, चलो डिलीट करते हैं इसको। डिलीट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया है एंड कन्फर्म। एक सेकंड, ये डिलीट क्यों नहीं हुआ मेरी आईडी? तो गाइस मुझे सबसे पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट करना होगा, क्योंकि फ्री फायर को एक रीजन चाहिए आईडी डिलीट करने के लिए। ये इंडिया रीजन सेलेक्ट कर दिया, डिस्क्रिप्शन में क्या डालूं यार, डिलीट मत करना यार, मजाक कर रहा हूँ। ओके गाइस, अब यहाँ पे नीचे मुझे रीजन देना होगा, भाई वीडियो बना रहा हूँ यार, इससे बड़ा रीजन क्या ही दूं मैं। ठीक है, तो मत करना, मजाक है सब कुछ। एंड उसके बाद गाइस नीचे मुझे किसी का फोटो डालना होगा। ओके गाइस, तो ये मेरी कजन है कोई, तो मैं इसका फोटो डाल देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे नीचे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट, लेट्स गो गाइस। यहाँ पे सबमिट हो चुका है फॉर्म। तो भाई लोग, मेरे इस आईडी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्लीज लाइक करो, मैं हूं तो सब्सक्राइब करो। बाकी आईडी बैन हुई नहीं हुई मैं इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, तो फॉलो कर लेना यार। एंड गाइस देखो, अगर आपको स्क्रीन पे कोई वीडियो दिख रहा है तो उस पर क्लिक कर दो।